हेलो फोक, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की। जैसा आप सब लोग जानते हैं, मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर पूरी तरह कमिटेड हैं भारतवर्ष में लेबर लॉ की अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, ताकि किसी भी श्रमिक को या किसी भी श्रमिक के फैमिली मेंबर को कोई भी सोशल सिक्योरिटी की इससे संबंधित जानकारी का अभाव ना हो। इसलिए सरल भाषा में एक एक करके इन चीजों को हम समझा रहे हैं। अभी तक ग्रेचुटी की बात कर चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन की बात कर चुके हैं, और आज बात कर रहे हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। यह स्कीम 1971 में लागू ही थी और पहली बार इसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट किए गए थे 1995 में, और तब से अभी तक यह स्कीम कुछ अमेंडमेंट के साथ भारतवर्ष में काम कर रही है। और इस स्कीम का जो दायरा है, वो जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एस मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 है, उसकी धारा 6A के तहत यह स्कीम डेवलप की गई है। और इस स्कीम की विशेषता यह है कि यह जब आदमी एम्प्लॉयमेंट में जाता है तब लागू होती है, और उसे एक अवसर देती है कि आप चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते हैं, जब आपकी सैलरी इसकी 15,000 की लिमिट के बाहर है। और यदि आपकी सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस स्कीम को लागू ना करें। जहां एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट लागू होता है, इसी क्रम में हमने ईडीएलआई की भी बात की थी, उसको लोग बहुत कम जानते हैं, जो स्कीम भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस में एक सोशल सिक्योरिटी का पहलू एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस भी है। आइए अब बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की। यह क्योंकि यंग एज में लागू होती है, सैलरी कम होती है, लाइबिलिटीज कम होती हैं, लेकिन यह बुढ़ापे का, जब हम रिटायर होते हैं तो यह बुढ़ापे का बहुत बड़ा, ओल्ड एज का बहुत बड़ा सहारा बनती है। आज सबको पता है कि फैमिलीज आइसोलेटेड होती जा रही हैं, बच्चे अपने कामों में व्यस्त हो रहे हैं, तो यह स्कीम आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि जो लोग 1995 से इसके कंटिन्यूस मेंबर हैं, उनको यह पेंशन स्कीम काफी अच्छी पेंशन ओल्ड एज में देगी। अब इसके मुख्य प्रावधानों की हम बात करते हैं, और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी नए एम्प्लॉय आज उन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं जहां ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 लागू है, वो फैमिली पेंशन को जरूर ऑप्ट करें। आइए इसके साथ साथ इसके प्रावधानों को जानते हैं। यह सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, यह एम्प्लॉय को और उसके परिवार को पूरी तरह सुरक्षित करने का वादा करती है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट हैं? नंबर वन, इसकी पूरी डिटेल समरी बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके कुछ समझेंगे। Members of EPO get pension benefit when they retire at the age of 58 years. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट की एज क्या है, यह उससे ताल्लुक नहीं करती, कहीं 60 है, कहीं 62 है, कहीं 58 है, लेकिन इसमें यह स्कीम में 58 वर्ष पर आपकी फैमिली पेंशन स्वतः स्वरूप हो जाती है। तो पहली तो आपको फैमिली पेंशन में रिटायरमेंट एज इज 58 ईयर्स, यह आपको क्लियर पता होना चाहिए। नंबर दो, द मिनिमम सर्विस पीरियड फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। आपने यदि ऑर्गेनाइजेशन बार बार बदली है, तो अपनी फैमिली पेंशन अपने यूएन नंबर के हिसाब से एक जगह एक्यूमुलेट कीजिए, आपके एम्प्लॉयर का ही हो सकते हैं, उन सबके सर्विस पीरियड एक जगह जोड़ा जाएगा और उन्हीं का कंट्रीब्यूशन एक जगह जाएगा। नंबर तीसरी बात है, ईपीएस कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.33 ऑफ एम्प्लॉयज बेसिक प्लस डीए मेड बाय द एम्प्लॉयर।
तो यह है जो पैसा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% है उससे नहीं आता, जो एम्प्लॉयर 12% देता है उसमें 15,000 तक का 8.33% के हिसाब से मैक्सिमम 1250, और यदि आज तो बहुत लोग इससे अधिक ऑप्ट करते हैं वे स्वेच्छा से इससे अधिक भी दे सकते हैं, लेकिन एक्ट में 1250 पर कैपिंग है। नंबर नेक्स्ट इसका है, फॉर्म डी कैन बी फिल्ड टू अप्लाई फॉर द मंथली पेंशन ऑन रिटायरमेंट एट 58 ईयर्स ऑफ एज। तो जब आप 58 साल के हो जाए तो आपको फॉर्म 10D भरकर जमा करना है। नेक्स्ट है, फॉर्म 10C कैन बी यूज्ड विड्रॉ ईपीएफएस अमाउंट और गेट ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट। यदि किसी आदमी की 10 साल की सर्विस नहीं हुई, उसने नौकरी छोड़ दी या ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, तो वह पेंशन सर्टिफिकेट के थ्रू विड्रॉ कर सकता है या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सर्टिफिकेट लेकर के जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा और 58 साल का होगा तो उसको वहां जमा करा करके उसका बेनिफिट इंक्लूड उसमें करा सकता है। नेक्स्ट इसका एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वह यह है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर द विडो और द चिल्ड्रन गेट मंथली पेंशन। इसमें यदि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉय की विडो या यदि फीमेल है तो विडोअर, वो और उसके बच्चे मंथली पेंशन पाते हैं। इसमें एक नई और जो सुविधा है जो मैं यहां आपको बता दूं, यदि किन्हीं कारणों से परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो भी इसमें एक डिसेबलमेंट पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलती है। सो डिसेबल्ड पेंशन का भी प्रावधान स्कीम में 1995 में लागू किया गया था, क्योंकि आदमी बहुत सारे कारणों से डिसेबल हो जाता है। और मैं यहां यह भी बता दूं, कुछ लोग यह भी कंफ्यूज करते हैं कि साहब जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन है उसमें पैसा मिलता है, वहां जो पैसा मिलता है वहां पेंशन नहीं मिलती। और एम्प्लॉय और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट उन जगह पर लागू नहीं होता जहां ईएसआई लागू है, और ईएसआई जहां लागू होती है उसकी एक लिमिट है, कुछ लोग ईएसआई की लिमिट के बाहर हो जाते हैं तो उन्हें ईएसआई से पेंशन नहीं मिलती। तो यह एक बड़ा बेनिफिट है और इस स्कीम में इस बात को बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ डिसेबल्ड पेंशन भी मिलती है। तो आप इस बात को यहाँ ठीक से कहीं नोट कर लें और ध्यान रखें, ईश्वर ना करे किसी को परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाए तो उसको इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम की उस बेनिफिट को आप अपने कारखाने में दिला सकें। नंबर नेक्स्ट है, द मेंबर कैन विड्रॉ द अमाउंट इफ ही और सी हैज नॉट कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ सर्विस और एट 58 ईयर्स। जब वह 58 साल का हो रहा है, यदि उसकी 10 साल की सर्विस नहीं हुई है, क्योंकि यह पेंशन 10 साल से पहले लागू नहीं होती, तो वह उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। उसका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा वह उसको मिलेगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट ईपीएफओ करता है। तो यह स्कीम का बेसिक स्ट्रक्चर है जो सबको पता होना आवश्यक है। आज बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होती है, उसके कई कारण है। पहला कारण यह है कि आज की डेट में लोग एचआर कॉम्पिटेंसी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और जो आईआर कॉम्पिटेंसी है जो इस तरह की कैलकुलेशंस करती है वो थर्ड पार्टी कराते हैं। तो थर्ड पार्टी का ना तो एम्प्लॉय में इंटरेस्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, वो इन सब चीजों को बताते नहीं क्योंकि उनको इन चीजों का पैसा मिलता नहीं। पैसा मिलता है उनको जो एम्प्लॉयर की मंथली वेजेज और सैलरी बनाकर जमा करने तक का, तो वह इन चीजों को पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो जो गवर्नमेंट की या हमारी सरकार की इच्छा है, जो सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा की भावना को जगाने के लिए बदलाव किए गए थे, उनका बेनिफिट कई बार नहीं मिलता है। तो आप अपने यहाँ करने के लिए अपनी जानकारी को बढ़ाएं। मैं और मेरी संस्था यही काम कर रहे हैं, हम फुल टाइम एक वीक का प्रोग्राम भी करते हैं। आपको कभी लगे तो हमारा प्रोग्राम अटेंड कीजिए और अपनी जानकारी हर एक्ट पर पूरी कीजिए। आइए अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट्स ऑफ ईपीएफ अकाउंट है उसका क्या है। तो जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, जो श्रमिक का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय का कर्मकार का कंट्रीब्यूशन है, वो 12 के 12 पूरा प्रोविडेंट फंड में जाता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है उसमें से 8.33 अप टू 15,000
ईपीएस में जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, और रेस्ट अमाउंट जाता है आपका पीएफ में, जो 3.67% बचता है वह आपके प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। लेकिन इसमें 0.5% जो ईडीएलआई की बात मैं कर रहा था उस पर भी जाता है, जिसे केवल एम्प्लॉयर देता है। बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते नहीं है, समझते नहीं है, इसीलिए ये फैमिली पेंशन और ईडीएलआई के बेनिफिट पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं। अगली बात करते हैं हम कि यदि कोई एम्प्लॉयर टाइम से जमा नहीं करता है, तो ये मैं एम्प्लॉयर के लिए भी जानकारी में ला रहा हूं, जो नियोक्ता है उनके लिए भी, या जो नियोक्ता के कर्ता धर्ता है उनके लिए भी, जो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं उनके लिए भी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक है। कभी जब डिफॉल्ट इन पेमेंट होता है तो इसका बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यदि 2 महीने से या 2 महीने तक का है तो आपको 5% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यह कंट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ेगा। नंबर दो, यदि 2 महीने से अधिक और 4 महीने से कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम 5 से 10 हो गया, तो लगभग डबल हो गया, तो यह 10%, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। अगले एग्जाम्पल को समझिए, यदि 4 महीने से और 6 महीने तक का डिले है तो वह 15%, कितनी तेजी से बढ़ा, जो बेसिक का है वो एकदम 3 गुना हो गया, 5% का 15%, और जो 6 मंथ या उससे अधिक है वहां 25%, जो पहले का 5 गुना। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। मैं सभी एम्प्लॉयर से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, सभी कंसल्टेंट से निवेदन करता हूं कि कभी भी फैमिली पेंशन के कंट्रीब्यूशन में कोताही ना बरतें, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक है। आइए इसकी अगले तथ्य को जानते हैं, इसकी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का कोई भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब वही जो इसका सब्सक्राइबर रहा है, कोई भी सब्सक्राइबर कब इसकी इलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता पात्रता पाता है। सबसे पहले है, ही शुड बी द मेंबर ऑफ ईपीएफओ, वह एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट का सदस्य होना आवश्यक है। वह सदस्य डायरेक्ट ईपीएफओ में हो सकता है, या यदि कुछ कंपनियां ट्रस्ट रखती हैं तो उसका प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट में जमा हो सकता है, लेकिन फैमिली पेंशन ईपीएफओ में जाएगी। मैं आपको फिर यह ध्यान दिला दूं कि ईपीएफओ में फैमिली पेंशन और ईडीएलआई दोनों का पैसा वही जाता है। भारत सरकार ने कोई ऐसी स्कीम लागू नहीं की है जो कोई अन्य इस काम को कर ले, तो ईपीएफओ के पास ये दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का जो पैसा है वह ईपीएफओ में जमा होना है और वह उसका सब्सक्राइबर होना आवश्यक है। तो यह पात्रता का पहली कंडीशन है। नंबर दो, ही शुड हैव कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। फैमिली पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस आपका नियोक्ता के साथ कम करने का पीरियड होना आवश्यक है। नंबर तीन, उसकी उम्र 58 साल की हो गई हो। 58 साल से पहले पेंशन मिलती है, रिड्यूस पेंशन मिलती है, लेकिन वो बहुत कम है, उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन आपको फुल पेंशन 58 साल पर मिलती है, तो उम्र 58 साल होना आवश्यक है। नंबर चार बात करते हैं, ही कैन ऑल्सो विड्रॉ ईपीएस एट द रिड्यूस रेट फ्रॉम द एज ऑफ 50 ईयर्स। यदि कोई चाहे तो जिसको रिड्यूस पेंशन की मैं बात कर रहा था, वह 50 साल से चालू करवा सकता है, लेकिन वह पेंशन कराने में कोई बेनिफिट नहीं है, वह बहुत कम है और उसका कोई विशेष बेनिफिट भी नहीं है। लेकिन जहां कहीं किसी की जॉब छूट गई है और वो इंतजार करता है फैमिली पेंशन का अपने बुढ़ापे के लिए, वो सोचता है कि मेरे घर में यदि पैसा ले लूंगा तो खर्च हो जाएगा, क्योंकि यदि 50 साल से 58 साल तक जो 8 साल तक पैसा जमा रहेगा तो वो कॉर्पस पर इंटरेस्ट लग करके बड़ा हो जाता है, तो आपको पेंशन अधिक मिलने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। नंबर पांच है, ही कैन ऑल्सो डिफर हिज पेंशन फॉर 2 ईयर्स। जिन कंपनियों में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है तो वह अपनी फैमिली पेंशन को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल पर कर सकता है, और जिसको उसको एडिशनल
4% के हिसाब से प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिक पेंशन मिलेगी। आपको बात क्लियर में आई? यदि कोई 58 साल पर पेंशन नहीं लेकर के और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र है तो वह अपनी पेंशन को 2 साल डिफर कर सकता है, 58 की जगह 60 साल से शुरू करवा सकता है, तो उसको 4% से प्रतिवर्ष एडिशनल पेंशन अतिरिक्त मिलेगी। ये इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर ईपीएफ, जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है उसमें आप कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, फर्स्ट स्टेप फॉर पेंशन इज टू फिल द फॉर्म 10D। सबसे पहले यदि आप एम्प्लॉय हैं और रिटायर हो चुके हैं या आप 58 साल के हो गए हैं और 58 साल पर ही पेंशन लेना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रिटायरमेंट एज 60 साल है, 2 साल आप बेनिफिट नहीं वेट करना चाहते तो आप फॉर्म डी भर सकते हैं। नंबर दो, द एप्लीकेशन शुड बी सेंट बाई द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मेंबर सर्व्ड, जहां अंत में वह काम कर रहा है फॉर्म 10D, उसको भेजना चाहिए, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास आपके या तो सारे सर्टिफिकेट होंगे या उसकी सारी डिटेल होगी और उसकी सैलरी की डिटेल होगी और वो ऑथराइज करेंगे कि यह हमारे यहाँ से रिटायर हो गया। तो यह उस एम्प्लॉयर के द्वारा जहां आप लास्ट में काम कर रहे हैं उन सभी सूचनाओं को, उन सभी जानकारियों को सर्टिफाई करा के सबमिट करना आवश्यक है। नंबर तीन, एप्लीकेशन शुड बी सेंट यदि ऑर्गेनाइजेशन किसी कारण से बंद हो गई, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, सोशल कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और सेक्टर हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिनमें यह स्कीम लागू है, तो यदि वह किन्हीं कारणों से बंद हो गया तो आप एप्लीकेशन किसके थ्रू भेज सकते हैं। नंबर वन, गजटेड ऑफिसर। नंबर टू, मजिस्ट्रेट। नंबर तीन, बैंक मैनेजर जिसमें आपका अकाउंट है। और नंबर नेक्स्ट है ऑथराइज्ड ऑफिसर इन केस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज्ड। तो इसमें काफी सारे लोगों को यदि ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो गई है तो आपका फॉर्म 10D उसके द्वारा भेजने का प्रावधान है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अचानक बंद हो जाते हैं तो एम्प्लॉय को या सब्सक्राइबर को बड़ी असुविधा होती है। अब यह प्रावधान डाल दिया गया है कि आप यह सब सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कठिन प्रक्रिया है और ऑर्गेनाइजेशन बंद भी कम होते हैं और जो बंद होती है तो आपको पता चलता है, उससे पहले पहले अपने आप अपने काम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि किन्हीं कारणों में आप नहीं कर पाए और ऐसा हो गया तो प्रावधान यह है। नंबर चार, अलोंग विद द फॉर्म 10D, एम्प्लॉय शुड हैव द कंप्लीट ऑफ द रिक्वायर्ड अटैचमेंट। नंबर वन, जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है वहां का या तो कैंसल्ड चेक या पासबुक की कॉपी, जिस खाते में आपको अपनी पेंशन मंगानी है वह साथ में लगाना आवश्यक है ताकि उसमें कोई गलती ना हो। नंबर दो, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, फैमिली इंक्लूडिंग यू स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यदि आपके बच्चे 25 साल से कम के हैं तो उन बच्चों की फोटो, नहीं तो अपनी स्पाउस की, मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, आपकी फोटोग्राफ लगना आवश्यक है, क्योंकि इसमें इसलिए है कि यदि आदमी की डेथ हो जाए तो फिर वह उसको स्पाउस को या चिल्ड्रन को देने में आसानी होती है जहां यह एप्लीकेबल है। नंबर सिक्स है एज प्रूफ कि आप 58 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, वह आपको लगना आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट है एनी स्कीम सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको कहा कि यदि आपने पहले के जहां काम किया था वो 10C के सर्टिफिकेट अपने पास रखे हैं तो वो इसके साथ लगाने आवश्यक है ताकि वह कैलकुलेशन में आसानी हो जाए और डॉक्यूमेंट कहीं इधर उधर से ना मंगाना पड़े। नंबर आठ है द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड अबव मस्ट बी अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर, जो मैंने पहले कहा ना फर्स्ट स्टेप द 10D फॉर्म शुड बी फिल्ड बाय द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट एम्प्लॉयर, तो उसके द्वारा अटेस्ट होने आवश्यक है। नंबर वन, यदि वह नहीं है तो वह गजटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्ट होने आवश्यक है, जो आपको मैंने नंबर तीन पर बताया, यदि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई और एम्प्लॉयर आपका नहीं है
आपको यह करना आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट योर पेंशन अंडर ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कैसे होती है। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, द मेंबर्स मंथली सैलरी जो होगी उसका जो पेंशन है, मंथली पेंशन होगी वह होगी पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। तो जो मंथली पेंशन है वो पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस, यदि 20 साल की सर्विस हो गई है तो उसमें 2 साल का बोनस मिल जाता है, डिवाइडेड बाय 70 वो आपकी आ जाती है। अब पेंशनेबल सैलरी क्या है, पेंशनेबल सैलरी इज द एवरेज ऑफ मंथली सैलरी इन द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर द मेंबर एग्जिट द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। कुछ का इंक्रीमेंट लग जाता है, कुछ का और कोई कारण हो जाता है, तो उसका एवरेज निकालना आवश्यक है। नंबर दो, पेंशनेबल सर्विस, एक्चुअल सर्विस पीरियड ऑफ द मेंबर इज कंसिडर्ड एज द पेंशनेबल सर्विस। पेंशनेबल पीरियड, सर्विस पीरियड अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स आर एडिड, जो आपने स्कीम की बात कर रहे हैं, टेंसी की बात कर रहे हैं, वह सब जुड़ जाता है। और इसमें एक बात है, यदि कोई 6 महीने से अधिक का पीरियड है तो उसको एक बार पूरी साल मान लिया जाता है। और जो मैंने आपको लास्ट में बताया, पीछे अभी मैंने बात की थी, यह वर्थ मेंशनिंग है कि जिसकी 20 साल की सर्विस हो जाती है उसको 2 साल का बोनस ईयर्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो जिनकी सर्विस 20 साल की है उनकी कैलकुलेशन 22 की, जिनकी 21 की है उनकी 23 की, तो इस तरह से उसमें 2 साल का पीरियड आ जाता है। तो यह बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप कहीं नोट कर लें और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि यह केवल ईपीएफओ ऑफिस ही इन चीजों को पे कर सकता है, इसीलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का सारी जिम्मेवारी ईपीएफओ के पास है। आइए अब बात करते हैं कि ये पेंशन कितने तरीके की होती है, जो टाइप ऑफ पेंशन अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इस स्कीम में प्रमुखतया 4 तरह की पेंशनों की बात की गई है। आइए एक एक करके समझते हैं। एक तो विडो और पेंशन, जो सब परिचित हैं। एक आप सेल्फ को पेंशन, ऑर्फन पेंशन, रिड्यूस्ड पेंशन, तो ये सब पेंशन है। तो विडो और विडोअर की पेंशन का मतलब है जब किसी की डेथ हो जाए। एक तो विडो पेंशन, एक है वृद्ध पेंशन। इट इज एप्लीकेबल टू द विडो of the member eligible for pension, the pension amount will be payable until the death of widow or her remarriage. ये यहाँ एक बड़ा है, इसकी बात करेंगे कि यदि किसी की यंग एज में डेथ होगी और उसकी वाइफ ने रीमैरिज कर ली, या किसी की वाइफ एम्प्लॉय थी और उसकी डेथ होगी और उसने रीमैरिज कर ली, तो यह पेंशन बंद हो जाती है। In case of more than one widow, the pension amount will be payable to the eldest widow. जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनमें एक से अधिक शादियां वैध मानी जाती हैं, तो यदि किसी की 2 विधवाएं हैं तो वह जो सबसे पहली विधवा है उसको पेंशन मिलेगी, पहले वो हकदार है। दूसरी हम बात करते हैं मंथली वृद्ध पेंशन, डिपेंड्स ऑन टेबल सी, जो 1995 की टेबल सी है उसके अनुसार मिलती है। द पेंशन अमाउंट हैज बीन इंक्रीज, आज यह वर्तमान में कम से कम 1000 रुपए कर दी गई है। एक तो ये है, और जो आपकी अपनी पेंशन है, एम्प्लॉय पेंशन है, मैं उसकी बात फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। दूसरी है चाइल्ड पेंशन, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर मंथली चिल्ड्रन पेंशन इज एप्लीकेबल फॉर द सर्वाइविंग चिल्ड्रन इन द फैमिली इन एडिशन टू द मंथली विडो पेंशन। जो मैंने अभी विडो पेंशन की बात की वह तो मिलेगी, लेकिन उसके बच्चों को भी पेंशन मिलेगी। द मंथली पेंशन विल पे टू द चिल्ड्रन अटेन द एज ऑफ 25, जब तक उसके बच्चे या तो 25 के नहीं हो जाते और लड़की के केस में उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक मिलती रहेगी। द अमाउंट पेबल इज 25% ऑफ विडो पेंशन
एंड कैन बी पेड मैक्सिमम टू चिल्ड्रंस। तो भारत सरकार ने यह सुविधा केवल दो बच्चों के लिए दी है, और जो विडो या विडोअर पेंशन है उसकी यह 25% है। तो पहले 25 तक बड़े बच्चे को, जब वह 25 का हो जाएगा तो जब तक दूसरा 25 का नहीं होता उनको मिलेगी। तो यह प्रावधान है। अब बात करते हैं ऑर्फन पेंशन की, जो अनाथ बच्चों को पेंशन है। इस केस में यदि माँ बाप दोनों नहीं है, बच्चे तब अनाथ माने जाते हैं, और यदि वो अनाथ हैं तो उनको जो विडो पेंशन है उसका 75% द वैल्यू ऑफ मंथली विडो पेंशन का बच्चों को मिलता है। द बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल फॉर टू सर्वाइविंग चिल्ड्रंस फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। तो ये जो 75% है पहले बड़े बच्चे को और फिर दूसरे को, केवल यह सुविधा दो बच्चों को, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, दूसरे पर ऑटोमेटिकली स्वतः बंद हो जाएगी। तो यह है आपको ऑर्फन पेंशन का ध्यान रखना। नंबर तीन बात करते हैं रिड्यूस्ड पेंशन, जिसकी मैंने बात की थी कि पेंशन आप 50 साल की उम्र से भी लागू हो जाती है, आप ले सकते हैं, उसको रिड्यूस्ड पेंशन बोलते हैं। लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करता जब तक कोई विषम परिस्थितियां आपके जीवन में पैदा ना हो गई हो। तो ए मेंबर ऑफ ईपीएफओ कैन विड्रॉ द अर्ली पेंशन इफ द कंप्लीटेड 10 ईयर्स, 10 साल हो गए हो तो वह 50 साल की उम्र से अपनी रिड्यूस्ड पेंशन चालू करवा सकता है। तो ये 50 साल से और 58 साल, 8 साल पहले जो पेंशन लेगा उसको इन केस ऑफ द पेंशन अमाउंट इज स्लैश्ड एट द रेट ऑफ 4% फॉर एवरी ईयर एज लेस देन, यदि आप 57 साल पे लेंगे तो 4%, 56 साल पे लेंगे तो 8%, और यदि 55 पर लेंगे तो 12%। तो हर साल 4% के हिसाब से यदि 8 साल 50 साल की उम्र पर आपने चालू की तो लगभग आपको 32% पेंशन, 1/3 पेंशन आपकी निकल जाएगी। तो यह कोई अच्छा सौदा नहीं है। जब तक आपके जीवन में विषम परिस्थितियां ना हो रिड्यूस्ड पेंशन नहीं लेनी चाहिए, और जब विषम परिस्थितियां हैं तो बुभिक्षतम किम न करोति वह सिद्धांत लागू होता है। तो यह प्रावधान उन लोगों के लिए है। नंबर दो बात करते हैं इन केस ऑफ मेंबर डिसाइड टू विड्रॉ द मंथली रिड्यूस्ड पेंशन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स ही विल गेट, जो मैं आपको बात कर चुका 2 साल का 8% के हिसाब से 100% जो पेंशन बनेगी उसमें से 8% कम होकर के आपको ओरिजिनल पेंशन अमाउंट में से घट करके मिल जाएगी। तो यह पेंशन का एक फॉर्मूला है। अब बात करते हैं पेंशन बेनिफिट्स अंडर द ईपीएस। इस स्कीम में पेंशन ऑन रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 58 ईयर्स, यदि आप 58 साल पर पेंशन ले रहे हैं तो वो फॉर्म 10D भर करके यदि 10 साल की सर्विस हो गई है, आप 58 साल के हो गए हैं तो आप पेंशन लीजिए, आपको 100% पेंशन मिलेगी। दूसरी पेंशन की बात करते हैं पेंशन ऑफ लीविंग सर्विस बिफोर बिकमिंग एलिजिबल ऑन मंथली पेंशन। तो यदि आपकी सर्विस 10 साल की हो गई है और आप 58 साल के नहीं हुए हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं, और वह आपको 10C में निकाल सकते हैं या आप वेट कर सकते हैं। इट इज वर्थ मेंशनिंग हियर दैट ही विल गेट द मंथली पेंशन बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट। यदि आपने 10C लिया और 10C जमा किया तो जब आप 58 साल के हो जाएंगे तब यह पेंशन मिलेगी। तो जो जिन लोगों की नौकरी पहले चली जाती है वह इंतजार कर सकते हैं, बहुत स्पष्टतः इस बात को रोक लें क्योंकि समझ लें, क्योंकि जितनी देर से पेंशन शुरू करेंगे उतना हमेशा बेहतर होता है। नंबर तीन बात करते हैं पेंशन ऑन टोटल डिसेबलमेंट ड्यूरिंग द सर्विस, जो मैंने आपको कहा था कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ए मेंबर ऑफ ईपीएफओ हु become disabled totally and permanently is entitled to the monthly pension irrespective of the fact that he has served। इस केस में उसका 10 साल की सर्विस होना भी आवश्यक नहीं है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। His employer has to deposit fund
इफ इज ईपीएफ अकाउंट फॉर एटलीस्ट 1 month, यदि एक महीने भी उसकी जमा हो गई, एक बार जमा हो गई, उसको नंबर मिल गया, तो उसके एम्प्लॉयर के जमा करते ही वह इस पेंशन का हकदार हो जाता है। लेकिन इसको लोग समझते नहीं है, बहुत कम लोग इसको भरते हैं, और यह भारतवर्ष में बहुत कम लोग इसका बेनिफिट अभी वर्तमान में ले रहे हैं। जैसे जैसे हम जानकारी बढ़ा रहे हैं तो यह और बढ़ती जा रही है। दूसरी इसमें विशेष बात है, द मेंबर बिकम्स एलिजिबल फॉर द मंथली पेंशन फ्रॉम द डेथ ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट, या तो डेथ पर या परमानेंट डिसेबलमेंट पर, एंड पेबल फॉर हिज लाइफ टाइम। हाउएवर द मेंबर मे हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन टू चेक वेदर ही इज अनफिट फॉर जॉब दैट ही वॉज डूइंग बिफोर बिकमिंग डिसेबल्ड। तो वह मेडिकल बोर्ड के सामने उसको हाजिर होना, उससे उसका परमानेंट असेसमेंट होना आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, पेंशन फॉर द फैमिली ऑन द डेथ ऑफ मेंबर, वो किन कंडीशन में किन किन को मिलती है। ए मेंबर्स फैमिली बिकम एलिजिबल फॉर द पेंशन बेनिफिट इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर वन, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर वाइल इन सर्विस, जब वह जॉब में था, कार्य कर रहा था, कार्यरत था, तो उसकी डेथ होगी तो उसको मिलेगी। एम्प्लॉयर हैज डिपॉजिटेड द फंड ऑफ हिज ईपीएस अकाउंट फॉर एटलीस्ट 1 month, जो मैंने आपको पहली बात की थी, डेथ में एक महीने होते ही, परमानेंट डिसेबलमेंट में एक महीने होते ही, एक महीने का कंट्रीब्यूशन जाते ही, सब्सक्राइबर बनते ही आपको यह बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा केस, इन केस ऑफ मेंबर हैज कंप्लीटेड 10 years, लेकिन उसकी 58 साल की उम्र नहीं हुई है, तो उसको पेंशन मिलेगी। नंबर तीन है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द फैमिली पेंशन, यदि उसकी पेंशन शुरू हो गई और उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में उसकी विडो को पेंशन मिलेगी। तो यह मोटे मोटे 4 बड़े बेनिफिट हैं। हम सबको इन चीजों की जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाकर इस प्रोग्राम से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, या जब हम अपने यहाँ क्लासरूम या ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं तब आप अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मींस सच डिसेबलमेंट ऑफ परमानेंट नेचर एज इनकैपेसिटीज एन एम्प्लॉय फॉर ऑल वर्क विच ही और सी, मतलब आपकी परमानेंट डिसेबलमेंट होना आवश्यक है और जो भी वह काम करता था जिस नियोक्ता के साथ उसे नहीं कर पाता है। जैसे दोनों हाथ चले जाना, दोनों पैर चले जाना, दोनों कान चले जाना, दोनों आंखें चले जाना, और बहुत सारे रीजन है, ये मोटे मोटे मैंने बात की। तो वह जब कैपेबल नहीं रहता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो उसे यह पेंशन दी जाती है। और इसमें मजेदार बात यह है, जो किसी एक्ट में नहीं है, वह जॉब में हो या ना हो, इसमें जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में केवल जॉब पर रहने पर मिलती है, इसमें ऐसा नहीं है। आप जॉब में परमानेंट हो या जॉब के बाहर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाए, किसी भी कारणों से हो जाए, तो आप इस पेंशन के हकदार हो जाते हैं। तो यह जानना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं आज की डेट में जो मिनिमम पेंशन गारंटीड है, आपकी बनती है नहीं बनती है। मिनिमम पेंशन 1000 पर मंथ, मेंबर डिसेबल्ड विडो, विडोअर, पेरेंट्स और नॉमिनी, या उससे अधिक जो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आती है। नंबर दो बात करते हैं, ₹250 पर मंथ फॉर चिल्ड्रंस पेंशन या उससे अधिक। नंबर तीन आती है, 750 rupees पर मंथ ऑर्फन पेंशन या उससे अधिक, जो उसके हिसाब से निकलेगी। तो यह मिनिमम की गारंटी है और यह समय समय पर भारत सरकार आगे बढ़ाने का प्रावधान उसमें डाल चुकी है। कोरोना के टाइम में
बहुत बच्चे ऑर्फन हुए हैं और उनके लिए यह अमाउंट आज बहुत छोटी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है तो इन चीजों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो यह एक दिन अच्छी अमाउंट मिलने की संभावना भारत सरकार से की जा सकती है कि एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट आगे ऑर्फन पेंशन में या चाइल्ड पेंशन में या जो और पेंशन है जो मिनिमम आज 1,000 है इसको बढ़ाने की बहुत प्रबल संभावना है। आइए अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 फॉर्म 10C, जिसकी मैं बहुत देर से चर्चा कर रहा हूं, यह मेंबर को लेना है। विड्रॉल बिफोर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस या EPS स्कीम सर्टिफिकेट। दूसरा फॉर्म टी, फॉर्म 10D, ये भी एम्प्लॉय को भरना है मंथली पेंशन के लिए, और विड्रॉल आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज या मंथली विडो पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तीसरा है लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशनर और गाइडियन, जब आपको पेंशन मिल जाती है तो हर साल आपको लाइफ सर्टिफिकेट वहां जाकर के देना पड़ता है या प्रस्तुत होकर के खुद आज ऑनलाइन हो गया वहां जाकर के कराना पड़ता है। तो पेंशनर साइन फॉर सर्टिफाइंग दैट ही और शी इज अलाइव, नंबर 1 तो खुद हो गया। नंबर 2 यदि वह नहीं है तो टू बी सबमिटेड एवरी ईयर इन नवंबर टू द बैंक मैनेजर वेयर द पेंशन अकाउंट इज। आप नहीं है तो बैंक मैनेजर से सर्टिफिकेट लेकर के आप दे सकते हैं। तीसरा नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट, ये विडो और विडोर के केस में है जिसमें यंग एज में डेथ हो जाती है। आज भारत की परिस्थितियां बदल गई हैं, रीमैरिज का प्रावधान बहुत अधिक है और होना भी चाहिए, यह सामाजिक हित की बात है। तो यदि रीमैरिज हो जाती है तो यह पेंशन बंद हो जाती है, और यदि आपने रीमैरिज नहीं किया तो नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट विडो और विडोर को लगाना आवश्यक है। टू डिक्लेयर दैट विडो और विडोर हैज नॉट रीमैरिड, इट हैज टू बी सबमिटेड एवरी ईयर इन नवंबर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, ये सब की जानकारी में होना बहुत आवश्यक है। इस स्कीम को जानने के लिए मैं एक बात और कहता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानने के हैं वो दोबारा मैं आपको बोल दूं। ऑल कंट्रीब्यूशंस मेड इन द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट आर टू बी डन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को कुछ नहीं करना है। नंबर 2, एम्प्लॉयर मेक्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.33% अप टू द सैलरी और वेजेस ऑफ 15,000 एज पर एक्ट और मोर विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय। नंबर 3 है द एम्प्लॉयर पे कंसिस्टेंट ऑफ द बेसिक वेज विद डियरनेस रिटेनिंग अलाउंस, जैसे शुगर इंडस्ट्री में रिटेनिंग अलाउंस जब फैक्ट्री नहीं चलती है तो मिलता है, एंड एडमिशिबल कैश वैल्यू ऑफ द फूड, इन सब पर जोड़ करके सैलरी की कैलकुलेशन होती है। नंबर 4 बात करते हैं द एम्प्लॉयर हैज टू मेक द कंट्रीब्यूशन विद इन 15 डेज, 15 अगले महीने की सब्सिक्वेंट मंथ की 15 तारीख तक यह सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन जमा करना एम्प्लॉयर के द्वारा आवश्यक है, नहीं तो मैंने पेनल्टी की बात बताई थी, आप जितना लेट करेंगे उतनी पेनल्टी आप पर या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर बढ़ता जाएगा। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं ऑल एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा या और कोई कॉस्ट आएगी वो एम्प्लॉयर को बोर्न करनी है, एम्प्लॉय को इसमें कुछ नहीं करना, उसकी कोई मिस्टेक नहीं है। नंबर 6 है द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज टू मेक कंट्रीब्यूशंस फॉर ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम हिम डायरेक्टली और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, यह एक नया प्रावधान है। यहां प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को यह इंश्योर करना है कि वह या तो अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय का स्वयं या जो उसने कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं उनकी कंप्लायंस 15 से पहले पहले 100% कराए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर यदि डिफॉल्ट कर जाता है, फेल हो जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वह सब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये सारे एम्प्लॉयर्स को समझना, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना आवश्यक है। नंबर 7 है द मिनिमम सर्विस पीरियड 10 ईयर्स टू बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग पेंशन बेनिफिट।
10 साल है। आठवां इंपॉर्टेंट पहलू है, इफ यू हैव कंप्लीटेड लेस देन 10 ईयर सर्विस बट मोर देन 6 मंथ सर्विस यू कैन विदड्रॉ द ईपीएस अमाउंट ऑन बीइंग एन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम फॉर मोर देन 2 मंथ्स। यदि आपने 6 महीने से अधिक काम किया और 10 साल से काम किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिले, पेंशन मिलेगी नहीं, और पेंशन नहीं मिलेगी आप अंत तक इंतजार करना नहीं चाहते हैं। तो आप यदि 2 महीने आपको नौकरी किन्हीं कारणों से नहीं मिली है तो इस अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन होगी, नंबर 1 लेस देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, नंबर 2 कम से कम 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन, और नंबर 3 आपको 2 महीने नौकरी छोड़े हुए हो गए या नौकरी छूट गई, नई मिल नहीं रही है। तो 3 कंडीशन होना बहुत आवश्यक है। नंबर 9 बात करते हैं, एज पर द स्कीम रिटायरमेंट एज इज 58 ईयर्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रिटायरमेंट एज क्या है वह मैटर नहीं करती। इस स्कीम के लिए 58 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र मानी गई है, तो आपकी उम्र कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 10 है, एन एम्प्लॉई सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ पेंशन फंड आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 58 ईयर्स फ्रॉम द टाइम ही स्टार्ट अवेलिंग रिड्यूस पेंशन एट द एज ऑफ 50। तो 2 चीज है, रिड्यूस पेंशन के लिए 50 और नॉर्मल पेंशन के लिए 58 ईयर्स। तो ये मोटी मोटी इसके प्रावधान है। यह स्कीम हमारे ओल्ड एज के लिए बहुत काम की है। मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी जानकारी बढ़ाएं, अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत अपनी ओल्ड एज को सिक्योर करें, और किसी भी इमोशन से बचकर यह पैसा अपने लिए सुरक्षित रखें। आने वाला समय बहुत बदल गया है, तो आप किसी भी इमोशंस को अपनी लाइफ में अलाउ मत कीजिए, नहीं तो वो सब इमोशंस ओल्ड एज में बहुत परेशान करने वाले हैं। तो आप अपनी फैमिली पेंशन का पैसा पूर्णतः सुरक्षित रखिए। जब से आप जॉब करें अवश्य कटवाइए, पूरा समय समय पर इंश्योर कीजिए, और अपने जीवन को सुरक्षित करने की सावधानियों का पूर्ण पालन करते हुए अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। आपसे मैं अंत में फिर निवेदन करता हूं कि आपको यह जानकारी यदि किन्हीं कारणों से पूर्ण नहीं लगती तो हमें लिखिए कौन सा मुद्दा छूट गया, क्या जानकारी और अधिक चाहते हैं, क्योंकि अथाह समुद्र है। हमने कुछ इसमें से प्रमुख मोतियों पर ध्यान दिया है, पूरी स्कीम को इतने छोटे समय में कवर नहीं किया जा सकता। मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर पूर्ण प्रयासरत हैं, पूर्णतः प्रतिबद्धित हैं कि हम आपके हर प्रश्न का उत्तर दें, आपकी जानकारी पूर्ण बढ़ाएं। यदि आपको लगता है कि हम आपके यहाँ क्लासरूम ट्रेनिंग, या आपको लगता है कि आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को अटेंड कर अपनी जानकारी पूर्ण कर सकते हैं, हमसे संपर्क साबित करें, हमसे संपर्क स्थापित करें, हमसे फोन पर बात करें। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उनको देखें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मेरे चैनल पर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ और आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।